करेंगे. ओके, माय सेकंड क्वेश्चन इज टू अनिल सर. जी सर, आपने जितनी भी आपकी फिल्में देखी जाए, अपने 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 तो अपने होते हैं, गदर देखी जाए, इसमें फादर सन का एक बहुत ही इमोशनल एंगल हमेशा देखने को मिलता है. इस फिल्म की, पर्टिकुलरली इस फिल्म की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखिए क्या है कि पिता पुत्र एक ऐसी चीज है कि मैं अपने पिता और अपने ग्रैंडफादर के बहुत करीब रहा हूँ. मैंने देखा है कि मैंने मेरे ग्रैंडफादर को देखा है, वो बड़े एस्ट्रोलॉजर थे मथुरा में, लेकिन उनको देखा है कितने वो पापा के लिए करते थे. मैंने पापा को देखा अपना, कितना वो मेरे लिए करते थे. जब मैंने पहली फिल्म श्रद्धांजलि बनाई, उनके पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन कैसे, मैंने 1.5 महीने बाद शूटिंग शुरू करनी थी, ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, मुझे एहसास भी नहीं होने दिया. तो आई हैव सीन माय फादर, हाउ मच अ फादर डज फॉर हिज चिल्ड्रन, हिज सन. और माँ को मैंने देखा है वो कैसा करती है. मुझे मालूम है कि जब श्रद्धांजलि के लिए, राखी जी के लिए जब कपड़े बनने थे, तो अचानक उनका फोन आ गया, मैं जा रही हूँ, मुझे कल 25,000 रुपया चाहिए. 1981 में 25,000 बहुत थे. मेरी माँ ने सारी ज्वेलरी पापा को दे दी बिना मुझे बताए हुए कि लो राखी के लिए आप ये कपड़े बना लो. जो तो मतलब मैंने ये देखा है, मैंने देखा है घर में मेरे पिता, जब माता पिता नहीं रहे तो मैंने देखा कि इतना बड़ा वैक्यूम हो गया दुनिया में, एक इतना बड़ा वैक्यूम कि पूछो मत. उन्हीं दिनों मुझे एक ये कथा कहीं दिख गई, तो मुझे एक